बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला आप सब पर अपना करम और फजल फरमाए। अल्लाह ताला आप सब को अपनी रहमत के साए में रखे। जो दुख दर्द तकलीफ़ें अल्लाह ताला आसान फरमाए। अल्लाह ताला हर पर अपना करम और फजल फरमाए। तो करते हैं इन दुआओं के साथ अपनी वीडियो का आगाज़। तो वीडियो आज की जो है वो कुछ इस तरह है कि सुबह जब मैं उठा तो अली रज़ा भाई के मैसेज आए हुए थे व्हाट्सएप पर। तो मुझे उनके मैसेज सुनकर बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि इंसान इतनी साल स्ट्रगल करने के बावजूद, अगर आज उनका चैनल मोनो था तो मैं बात बताता हूँ उनकी असल क्या है। हुआ को जूँ कि उनका चैनल, उन्होंने बताया कि मेरा चैनल जो है ना वो किसी ने हैक कर लिया है। तो उनको फौरी तौर पर पता चल गया, वो ख़ुद भी एक टेक्निकल है, तो शुक्र है अल्लाह का उन्होंने चैनल तो रिकवर कर लिया। लेकिन जो वीडियो थी वो काफ़ी डिलीट हो चुकी थी, जिससे उसकी तो चलो खुशी हुई, शुक्र है अल्लाह का चैनल उन्होंने रिकवर कर लिया। लेकिन जो वीडियो उन्होंने डिलीट की है उससे ना उनका वॉच टाइम भी ख़त्म हो गया। तो वॉच टाइम ख़त्म हो जाए तो चैनल डीमोनेटाइज हो जाता है, यानी कि जो पहले इनकम आती थी उनको, यानी कि मोनेटाइज था तो पैसे आते थे, ऐड लगते थे, अब वो डीमोनेटाइज हो गया। तो सबसे पहली बात तो यह है कि अली रज़ा भाई, हम आपके साथ हैं, आप बिल्कुल ना घबराएं, इंशाल्लाह आपका वॉच टाइम भी पूरा होगा। आपको जब मैंने आपकी वीडियो देखी व्हाट्सएप मैसेज के बाद, तो आप बहुत ज़्यादा जो है वो इमोशनल थे, तो आपने घबराना नहीं है, कोई बात नहीं, ये होता रहता है, इंसान को दुख होता है कि इतने साल मेहनत करने के बाद अगर ये काम हो तो तकलीफ़ होती है। तो कुछ ऐसे बुरे लोग होते हैं जो इस तरह के काम करते हैं, तो शुक्र है अल्लाह का आपने रिकवर कर लिया। उसके बाद बाकी रह गया काम जो मोनेटाइज वाला, तो वो भी 1000 वॉच टाइम कम है। तो जितने लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट होगी, सबसे रिक्वेस्ट होगी कि अपने भाई को साथ लेकर हमने चलना है। इनका 1000 वॉच टाइम कम है। जितने भी लोग देख रहे हैं, बहन भाई देख रहे हैं, सब सेव दी आवाज़ सर्च करेंगे तो मैं अपनी कम्युनिटी में भी लगा दूंगा उनकी वीडियो। तो आप लोगों ने सबसे पहले इनकी वीडियो की प्लेलिस्ट चलानी है, ताकि इनका जल्द अज जल्द वॉच टाइम पूरा हो और ये मोनेटाइज के लिए अप्लाई कर सकें। चैनल जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इनके पास ही है। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है दोबारा, सेव दी आवाज़ मैं अपनी कम्युनिटी में भी लगा दूंगा उनका लिंक जो है। तो आप लोगों ने इनकी प्लेलिस्ट चलानी है, बाकी इनका सब कुछ पूरा 1000 वॉच टाइम कम हो गया। बहुत घबराए हुए थे, बहुत परेशान थे, सही बात है, आप भी देखेंगे वीडियो तो बहुत ही दुख हुआ हमारा इतना बहादुर भाई आज जिस हालत में मैं देखकर मुझे खुद बहुत दुख हुआ कि इस तरह नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो एक बहादुर इंसान है। तो सिर्फ और सिर्फ वजह यही है जी कि जो उनकी, मैं दोबारा अली रज़ा भाई आपको जय हौसला और हिम्मत, हमारी सारी हमदर्दियाँ आपके साथ हैं, आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये कोई इतना काम नहीं है, इंसान की ज़िंदगी और सेहत होती है, सारे ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो आपने बहादुर बनना है, इंशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ हैं। तो सबको मैं कह रहा हूं जी, जितने भी बहन भाई सुन रहे हैं आज जब भी वीडियो ये अपलोड हो सब सुने, तो सब जितने भी हैं लिस्ट प्ले लिस्ट चला देनी आपने। मैं ये वीडियो कम्यूनिटी में ला कर, लिंक जो है वो मैं लगाऊँगा सेव दी आवाज़ चैनल का, ठीक है, ताकि आप लोगों ने वो लिंक क्लिक करना है और इनकी वीडियो पर जाना, प्ले लिस्टें चलानी है इनकी, ताकि वॉच टाइम इनका पूरा हो जाए। तो जल्द अज जल्द वॉच टाइम पूरा कर देंगे। आगो ब्राइन ना अली रज़ा भाई, हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं। तो जो इस तरह के काम करते हैं वो उनको आदत होती है, तो वो करते रहें, अल्लाह ताला की दात है जो इंसान को, बस सारे काम कुछ अपनी अपनी फितरत से बात नहीं आते बंदे, तो कोई बात नहीं। यही आज की वीडियो थी मेरी, कोई ख़ास और वीडियो नहीं थी, अली रज़ा भाई आपके नाम ही।
तो सबसे गुजारिश है दोबारा मेरी कि इस वीडियो को वॉच करके अली रज़ा भाई के चैनल पर जाके उनकी प्लेलिस्ट चलानी है ताकि उनका वॉच टाइम पूरा हो जाए और वो चैनल मोनो के लिए अप्लाई कर सकें। हमारी दुआएं आपके साथ हैं अली रज़ा भाई, आप घबराएं ना। अल्लाह ताला मेरे और आप तमाम लोगों के ईमान की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हम सब का खात्मा बिल ईमान फरमाए। अल्लाह ताला हमारी नस्लों को ताकि हम ईमान पर कायम और दायम रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इन्हीं दुआओं के साथ आज की ये वीडियो ख़त्म करते हैं। सुबह इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।